क्या? लेकिन एक सेकंड, मैं बोलना सीख गया। Women. No. बद्दू पांडे, पहले तो हकलाना बंद कर और अब सुन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी ने इस देश को धर्म निरपेक्ष देश बनाया है और तू कह रही कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगी। जिहाद क्या है? अफगान कह रहा है। माता है गौ, हिंदुओं की माता है। यदि कोई व्यक्ति उस गौ माता को काटता है तो वो जिहादी है। बाप कौन है? और गाय माता है तो बाप कौन है? माता है तो बाप कौन है? गाय क्या? किसकी पार्टी आनी चाहिए? हमारा तो मोदी साहब है। मोदी जी? अच्छा, 27 साल में सारे काम कराए मोदी जी? खुश है उनके काम से? दो काम बताइए जिसे बहुत खुश है। ये जैसे रास्ता बन गया है। हाँ। और ये लोग कह रहे हैं सड़कें नहीं बनी। बनी तो है, बनी है सड़कें। और बताइए कहाँ पे बनी है? बड़ा रास्ता बना है ना? बड़ा बड़ा मोहल्ले। ये साबुन भगवा कलर का है, ये साबुन भगवा कलर का है। अब इस साबुन से जो है देश के तमाम लोग नहाते हैं। मैं इसका नाम तो नहीं बोलूं, लेकिन देश के तमाम लोग नहाते हैं। बहुत बिकता भी है ये, ठीक है? तो अब इस साबुन को आदमी कहाँ कहाँ लगाता है, किस किस जगह पर लगाता है, तो क्या अनभक्तो आपकी इससे भावना आहत हो? बोलो। दो होल तो साले पर्दे फाड़ूंगा। अच्छा। आग भी लगाऊंगा। हाँ। और अगर कोई साला लवर किसी की बच्ची को ला करके वो नंगी पिक्चर दिखाने लाएगा ना, साले तेरी ना देही वहीं पर ही तोड़ूंगा। रुको जरा, सबर करो, लगा के दिखाए। ये सुनो, मैं दूंगा 1,00,000 रुपए इनाम। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ये बात लगा दी, 1,00,000 दीजिएगा। दूंगा। आप भी गुनाहगार हो साथ में। क्योंकि 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 पिछवाड़े में जोर नहीं है, यहाँ कैमरे के आगे बोलने का जोर है। सही बात। दिक्कत उस बात से नहीं है कि भगवा रंग में बिकनी है। उससे पहले रवि किशन की गाना देखा आपने? मनोज तिवारी का गाना देखा आपने? कम से कम आप तो खुद को ऐसा नहीं दिखाइएगा क्या? ये मतलब सारा दिन खिलाफ खिलाफ खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक जरूर, दो बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवा सकते हैं, आधी रात को संविधान में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ मिटा सकते हैं। तो एक लाइन ऐड नहीं कर सकते कि भारत हिंदू राष्ट्र है में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ मिटा सकते हैं। तो एक लाइन ऐड नहीं कर सकते कि भारत हिंदू राष्ट्र है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चगे नोडो के साथ। और इस वीडियो में ऑल वे अगेन बद्दू पांडे एक्सपोज बाय रिपोर्टर, एंड अंधभक्तों को भी रिपोर्टर एक्सपोज करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, प्यार में, जिससे कि वो मतलब उनको बुरा भी नहीं लगेगा और पीछे से भाग जाएंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, अभी से लाइक सब्सक्राइब कर लो, वीडियो में मजा आने वाला है, बिकॉज टेम्पलेट्स मोर फन। आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और लगता है ये खुशबू पांडे की बहन है, लेकिन फिर भी पत्रकार ने एक्सपोज करके रख दिया है इसको। आखिर क्या एक्सपोज किया है, तो वीडियो में बने रहना है। हमारी बहनों के 32 टुकड़े नहीं हुए होते? कौन से बहन? जो कि हमारी बहन के 32 टुकड़े जिहादी लोग कर देते हैं, न जाने कितनी बहनों को मार चुके हैं, मारते रहेंगे ये जिहादी। इसीलिए हिंदू राष्ट्र का बनना जरूरी है इन लोगों को रोकने के लिए, जो हमारी बहनों को मारते हैं, जो हमारी बहनों के साथ में। बोल दीजिए नरेंद्र मोदी, बोल दीजिए नरेंद्र मोदी किसी काम के नेता नहीं है, बोल दीजिए नरेंद्र मोदी किसी काम के नेता नहीं है। देश देश जो संविधान चलेगा है मनुस्मृति से। जी देश चलेगा संविधान से, हम संविधान के बिल्कुल। संविधान कह रहा है कि आप किसी से प्यार कीजिए, संविधान कह रहा आप किसी से प्यार कीजिए, आप जिहाद की बात कर रही है। संविधान कह रहा आप किसी से प्यार कीजिए, आप जिहाद की बात कर रही है। जिहाद क्या है? संविधान कह रहा है माता है गौ, हिंदुओं की माता है। यदि कोई व्यक्ति उस गौ माता को काटता है तो वो जिहादी है। बाप कौन है? और गाय माता है तो बाप कौन है? माता है तो बाप कौन है? गाय क्या बोले? संविधान में हिंदू राष्ट्र ही नहीं बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र सदैव था, है और सदैव हमेशा रहेगा। बस एक लिखने की जरूरत है कि आप एक बात बताइए, आप लोगों के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवा सकते हैं। हाँ। आधी रात को संविधान में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ मिटा सकते हैं। तो एक लाइन ऐड नहीं कर सकते कि भारत हिंदू राष्ट्र है में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ मिटा सकते हैं। तो एक लाइन ऐड नहीं कर सकते कि भारत हिंदू राष्ट्र है। कुछ भी कुछ और भी सोचते हैं कि आप हिंदू मुसलमान के अलावा लाइफ में कुछ और भी चल रहा है? कुछ नहीं, देखा आपने लापरवाही, इसकी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। ये सारा दिन मतलब सुबह उठते हैं पठान है, शाहरुख खान है, मुसलमान है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। ऐसे रिपोर्टर भाई कसम से बोल रही हूँ, क्या कर रही बोल। इन खानों को तो मुझे, मैं तो कभी देखती नहीं हूँ इन खानों को, तो मुझे मैं तो कभी देखती नहीं हूँ। अच्छा, मैं आपको आपसे पूछती हूँ, आप मेरे बड़े भाई समान हैं, क्या आप मेरे साथ ये मूवी देखने चलेंगे? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
दिक्कत उस बात से नहीं है कि भगवा रंग में बिकनी है, उससे पहले रवि किशन की गाना देखा आपने, मनोज तिवारी का गाना देखा आपने, कम से कम आप तो खुद को ऐसा नहीं दिखाइएगा। क्या ये मतलब सारा दिन खिलाफ 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 मुसलमानों के खिलाफ? इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक जरूर, दो बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। हमारा रंग जो कि भगवा है, हमारा पहचान हिंदुओं की पहचान ही भगवा है सर। हमने मौली सूता बांध रखा है हाथ में, ये भी भगवा ही है। ये साबुन भगवा कलर का है, ये साबुन भगवा कलर का है। अब इस साबुन से जो है देश के तमाम लोग नहाते हैं, मैं इसका नाम तो नहीं बोलूं लेकिन देश के तमाम लोग नहाते हैं, बहुत बिकता भी है ये, ठीक है। तो अब इस साबुन को आदमी कहाँ कहाँ लगाता है, किस किस जगह पर लगाता है, तो क्या अनभक्तो आपकी इससे भावना आहत हो? बोलो पॉइंट है बात। कहीं ना कहीं अब तो थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा आपको। भारत का एक हीरो है शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोण, दोनों को कतर में बुलाया गया फीफा के वर्ल्ड कप में, पूरी दुनिया जिसको देखती है, गर्व महसूस किया थोड़ा बहुत? ये नहीं कर सकती तेरी भी जली ना। तो दोस्तों ऐसी अनभक्त लड़की के ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स पे जरूर बता देना। रिपोर्टर होना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। हमारा भारत वर्ष किस चीज के लिए पहचाना जाता था? हमारे ऋषि मुनियों की वजह से। अच्छा, हमारा भारत वर्ष सोने की चिड़िया, हमारा भारत वर्ष संस्कृति, संस्कार, संस्कृतियों का देश। हमारे भारत देश में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, जहाँ पे दूसरे देश जब बोलना भी नहीं सीखे थे, हमारे देश के बच्चे वेद और पुराण जैसी ग्रंथ पढ़ रहे थे। कभी ये साइड हो जाती है। रुको जरा, सबर करो। इसीलिए हिंदू लोग अपने बच्चों को कभी भी बच्चों को हिंदू कौम दुनिया में एक ऐसी कौम है जो अपने बच्चों को कभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए जबरदस्ती नहीं करती है, कभी नहीं करती। आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं, अगर आपने कभी गीता उठाया भी हो क्लास 10th में, तो आपके पिताजी ने दो तमाचा मारा होगा, चल फिर से उठा ले, गीता पढ़ रहे। 56 इस्लामिक कंट्री है, ना जाने कितने क्रिश्चियनों के लिए कंट्री है। क्या? लेकिन एक सेकंड, क्रिश्चियनों के लिए कंट्री है। मैं बोलना सीख मधु पांडे पहले तो हकलाना बंद कर और अब सुन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी ने इस देश को धर्म निरपेक्ष देश बनाया है और तू कह रही कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगी। ऐसी क्या मजबूरी होगी शाहरुख खान को कि माता वैष्णो देवी जाना पड़ा? ये बगल में उसके घर के बगल में हाजी अली था, एक्शन देख हाजी अली था, वहां को नहीं गया, भरोसा नहीं है क्या? देखिए वो अभी उमरा करके आए हैं। सुनो ये बंदा गजब, सत्य कह के जा रहो, सत्य। एक या दो होल तो साले पर्दे फाड़ूंगा, अच्छा आग भी लगाऊंगा, और अगर कोई साला लवर किसी की बच्ची को ला करके वो नंगी पिक्चर दिखाने लाएगा ना, साले तेरी ना देही वहीं पर ही तोड़ूंगा। रुको जरा, सबर करो, लगा के दिखाए। ये सुनो, मैं दूंगा 1,00,000 रुपए इनाम, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ये बात दूंगा, आप भी गुनाहगार हैं साथ में, क्योंकि 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 पिछवाड़े में जोर नहीं है, कैमरे के आगे बोलने का जोर है। सही बात, पॉइंट है चाचा। क्या नाम है? नरेश। नरेश जी कैसा माहौल है इस बार, किसकी पार्टी आनी चाहिए? हमारा तो मोदी साहब है। मोदी जी, अच्छा 27 साल में सारे काम कराए मोदी जी, खुश है उनके काम से? दो काम बताइए जिससे बहुत खुश है। ये जैसे रास्ता बन गया है, पर ये लोग कह रहे सड़कें नहीं बनी। बनी तो है, बनी है सड़कें। और बताइए कहाँ पे बनी है, कहाँ है, बड़ा रास्ता बना है ना, कहाँ पे बड़ा बड़ा रास्ता, मोहल्ले जो गलियां हैं उनमें विकास है कह रहे हैं, कहाँ पे है विकास बता। भाग गया इधर आ, समझ रहा यार, ये भी सही रिएक्शन इस बार आई हो भाई, आपने सारी क्लिप एंजॉय करी हो एंड रिएक्शन एंजॉय किया हो। एंड गाइस, जो रिपोर्टिंग जो बंदे रिपोर्टर होते हैं ना यार, उनको दिल से सैल्यूट रहता है मेरा, बिकॉज जब अंधभक्त से कुछ सवाल जाओ ऐसे होते हैं ना, और जब उनके सामने कोई एक और इंसान जिसमें अक्ल होती है, जो समझता है कि गलत क्या है सही क्या है, वो जब आता है सामने तो वो पीछे से भागता है। ऐसे भी आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा, अब कहाँ रोड बने तो वो बताता है, पता कहाँ बने वो पीछे से आउट। एंड गाइज, जिस पे बोलोगे उस पे बनाई जाएगी, बस कमेंट किया करो। एंड भाई 4,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो कर लो भाई, मेरे मतलब देखने वाले ज़्यादा हैं, सब्सक्राइब करने वाले बहुत कम हैं, मतलब 80-20 का रेशियो है, मतलब 20% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और 80% लोगों ने नहीं कर रखा। भाई
कुछ क्या गुस्सा गुस्सा हो गया, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो भाई सॉरी यार, सब्सक्राइब कर लो यार, अगर भाई की बात कोई बुरी लग गई हो तो सॉरी बट सब्सक्राइब करो। ये रेशो है ना जो 20% वाला है, भले ये 20% देखो और 80% सब्सक्राइब कर लो, 80% सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपने 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और देखो यार, रेगुलर वीडियो डालता हूँ, ये नहीं है कि मेरा एक दिन ड्रॉप हो जाए, एक आध दिन कभी छूट जाए, तबीयत वगैरह ख़राब होती है, मैं तब भी वीडियो बनाता हूँ। मुश्किल से मेरा बहुत रेयर केस में होता है कि मेरी वीडियो ना आए, तो भाई तुम्हारा भाई रेगुलर वीडियो लाता है। और भाई कुछ ये बोलते हैं कमेंट में कि भाई तू इन्हीं पे क्यों बना रहा है, बद्दू पांडे, खुशबू पांडे रिपोर्टिंग। गाइज मैटर ये नहीं है कि इस पे क्यों बनाता हूँ, मैटर ये है आप मेरी जो ऑडियंस है वो पसंद क्या करती है, मैं उसके लिए बनाता हूँ। अब मुझसे कोई कमेंट में बोलेगा भाई कि आप मतलब कोई सॉन्ग पर बनाओ, तो मैं बनाऊँगा, बट उसकी थोड़ा मुझे लगा ना ऑडियंस है कितनी देखने वाली, अब वो दो लोग देखेंगे तो वो उससे रीच नहीं मिलेगी, बट मैं फिर भी बनाता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ रही हो मेरी बात, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड भाई उल्टी सीधी कमेंट मत किया करो, मैं ओनली रिएक्शन देता हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलता हूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।